आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये जो चैप्टर है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या होता है. कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉल हो गया, स्टोन हो गया, स्पेस में थ्रो किया जाता है तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं. एनीथिंग वी थ्रो इन स्पेस इन स्पेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. And its motion is called projectile motion. तो जैसे projectile motion होता है तो उसमें acceleration जो है हम लोग constant मानते हैं और वो g के equal माना जाता है. ठीक है, कहा जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन. तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं ये एक प्लेनर मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ प्लेनर मोशन, मतलब किसी प्लेन में ये मोशन होता है ना. जैसे मैंने एक बॉल फेंका यहां से ऐसे, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी कुछ ऐसे होती है. तो ये एक प्लेन में इस तरह से मोशन करता है. ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, है ना. सपोज कोई ट्रक जो है वो इधर जा रहा है और ट्रक पर मैं खड़ा हूं. ठीक, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं, मतलब यहां से किसी एंगल पर फेंकूंगा ताकि ऐसे आकर, अगर ट्रक चल नहीं रहा होता तो ये ऐसे आकर के गिरता. ठीक, लेकिन ट्रक चल रहा है तो होगा क्या, ट्रक वाली वेलोसिटी भी हमारे पास होगी, यानी एक वेलोसिटी इधर भी मिलेगी बॉल को. तो अब बॉल जो इधर जाना था वो अब क्या होगा, अब कुछ बीच में आएगा ऐसे, है ना. तो क्या उसका जो मोशन है वो अब 3D हो गया. तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोशन अभी भी 3D नहीं है, वो अभी भी 2D है, क्योंकि अब प्रोजेक्टाइल जो जाएगा वो ऐसे जाएगा तो ये इस प्लेन में मोशन कर रहा है ना. ये अभी भी प्लेनर मोशन है, अभी भी टू डायमेंशनल मोशन है. मतलब ये कहने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि इसकी वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे एंगल पर फेंका गया था, और एक ट्रक वाली वेलोसिटी भी आएगी. कहने के लिए वेलोसिटी जो है वो तीन डायरेक्शन में हो गए, नहीं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. लेकिन अल्टीमेटली सबका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो ऐसे आएगा. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं ऐसे है, और इसके हम लोग दो कॉम्पोनेंट ही ले सकते हैं, एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली. तो मोशन जो है वो अभी भी प्लेनर मोशन रहता है. ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी 3D नहीं होगा, हमेशा 2D मोशन होना है, और उसमें एक्सेलरेशन जी को हम लोग कॉन्स्टेंट मान करके चलेंगे. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कई सारे केसेस देखेंगे. जैसे पहला अब जो प्रोजेक्टाइल का केस होता है उसमें आता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. एक होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, फिर एक होता है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, फिर पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म. तो कई सारे केसेज होते हैं, सारे केसेज हम लोग बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ कि जैसे ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और वापस ये ग्राउंड पर ही गिरने वाला है. तो उसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, है ना. ये फिगर बनाते हैं, सपोज ये जो है एक्स और वाई डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डायरेक्शन हो गया. अब किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को हमने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, है ना. अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
at angle theta with horizontal with velocity of projection, velocity of projection u. जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो मोशन है ये 2D मोशन है, यानी ये जो मोशन है ये इस XY प्लेन में हो रहा होगा, इस बोर्ड के प्लेन में हो रहा होगा. तो ये 2D मोशन है, लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बिल्कुल वन डायमेंशनल जो मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन जैसा ही पढ़ेंगे. करेंगे क्या कि इसके मोशन को हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे और फिर अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो वन डायमेंशनल मोशन जैसा ही इसको पढ़ेंगे. तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं. ब्रेक करने को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन. तो मैं ये जो वेलोसिटी है इसको रिजोल्व करूंगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कॉम्पोनेंट आएगा ये आएगा u cos थीटा. वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कॉम्पोनेंट आएगा ये आएगा u sin थीटा. इसका जो एक्सेलरेशन है वो सारा g है नीचे की तरफ, यानी निगेटिव y डायरेक्शन में, है ना. तो अब जो है बारी बारी से दोनों जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उनकी तरफ मोशन को स्टडी करते हैं. तो पहला जो मोशन देखेंगे हम लोग वो देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो देख सकते हैं. यहां पर u cos थीटा आया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट मैं लिखूंगा u cos थीटा. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सारा एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए एक्सेलरेशन है नहीं. हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अब पता चल गया है, तो अब वेलोसिटी और पोजीशन इसका पता करते हैं. पहले निकालेंगे वेलोसिटी एट टाइम टी. किसी टाइम टी पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल को जो है हमने एक्स डायरेक्शन लिया है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे. जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, इसको यूज करेंगे. अब इसमें हमने चूंकि एक्स डायरेक्शन के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने एक्स एक्स यहां पर लिखा है. ये एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है टाइम टी पर, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है टी इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये है टाइम. तो जैसा कि यहां दिया गया है एक्सेलरेशन जो है ये जीरो है, है ना. तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा. तो देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी टाइम फैक्टर नहीं है. अगर टाइम नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म जो है कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी. इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इसका पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एट टाइम टी. तो ये वेलोसिटी हो गया. पोजीशन के लिए फॉर्मूलाइज करेंगे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहां पर एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है. तो ये जो एक्स की वैल्यू आएगी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा यू टी कॉस थीटा, है ना. तो ये देख सकते हैं कि टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या होगा, ये सीधा जो है पार्टिकल इधर एक्स डायरेक्शन में सीधा चलता रहेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से. तो ये हो गया मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, है ना. तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की
वो आया है u साइन थीटा, ये भी ऊपर की तरफ आया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैं इसको कह सकता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ यू आई, ये है u साइन थीटा, ये जा करके वापस जो है ये कहीं वापस उसी पाथ पर आना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहां पर नीचे है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी के इक्वल। माइनस जी क्यों? क्योंकि वाई हमने ऊपर लिया है और जी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस जी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एट टाइम टी, तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी निकालेंगे, तो इक्वेशन आएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जो है वो है यू साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी ये हो गई। आप देख सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है बीच में निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ये शो करता है कि ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो होगा, है ना, और वहां से पार्टिकल मुड़ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी स्टोन को भी ऊपर फेंकते हैं तो एक जगह जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, उसके बाद वापस नीचे आता है, तो ऐसा ही मोशन इसका भी कुछ होगा, ये वापस उसी पाथ पर आएगा, जिस पाथ पर जाएगा वापस उसी पाथ पर आएगा, है ना। अब जो है इसका अगर पोजीशन निकालना हो कितना हाइट पर होगा किसी टाइम टी पर, तो वो भी निकाल सकते हैं, पोजीशन एट टाइम टी वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर यू वाई जो है यू साइन थीटा है और ए वाई जो है वो माइनस जी है, तो इसको लिखा जा सकता है यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो y डायरेक्शन में किसी टाइम t पर ये उसका पोजीशन बता सकते हैं, ये वेलोसिटी बता सकते हैं, x डायरेक्शन में ये पोजीशन होगा और ये वेलोसिटी होगा। अब ये जो दोनों मोशन है एक्चुअली में एक ही पार्टिकल कर रहा है, तो अगर उस पार्टिकल के मोशन को कंबाइंड किया जाए, है ना, तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, ये हमें देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, है ना। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल का जो पाथ होता है भले ऐसे जा रहा हो तो जो पाथ पर खूब सारे पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं इट रिलेट्स द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन पाथ और ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ऐसे देख सकते हैं, सपोज ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, है ना। तो थोड़ा सा मैं ट्रेजेक्ट्री पहले ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। जैसे इसमें हमें क्या बताया गया कि इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, यानी ये हॉरिजॉन्टल चलता रहेगा। ये मोशन क्या कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा, थोड़े से इंस्टेंट के लिए रुकेगा, फिर वापस उसी पाथ पर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों मोशन जो है वो एक ही पार्टिकल कर रहा है। तो अगर ये मोशन और ये मोशन दोनों को सुपरपोज कराया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो पाथ कैसा होगा देखेंगे। इसके हिसाब से इधर जाना है और इसके हिसाब से पहले ऊपर जाना है, तो इसका जो पाथ है कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब इधर भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है।
अब हाईएस्ट पॉइंट आ गया तो उसके बाद क्या होगा, ये नीचे जा रहा होगा और ये कह रहा है कि अभी उधर ही जाना है, तो इसके बाद जो है ये ऐसे आ जाएगा कहीं, मतलब नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर कंटिन्यूअसली जा रहा है लेकिन कभी ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। तो पाथ जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका इक्वेशन हमें नहीं पता, क्या पता सेमी सर्किल है, क्या पता कि पैराबोला है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई जनरल पॉइंट है यहां पर, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, यानी वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पार्टिकल तो यहां से फेंका गया था। तो इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड करी है पहले से, यह आया है यूटी कॉस थीटा, और जो वाई है, वाई की वैल्यू यहां से आया है यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि यहां से हम लोगों को टी को इल्यूमिनेट करना है, जैसे ही टी को इल्यूमिनेट करेंगे तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, है ना, हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता है वो एक्स और वाई में रिलेशन निकालता है। तो क्या करेंगे, पहले यहां से हम लोग टी की वैल्यू निकालते हैं, यहां से टी निकालेंगे तो यह आएगा एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, और ये टी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो अपना ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू यू, टी के जगह पर मैं ये रखूंगा एक्स वाई यू साइन थीटा, है ना, यू कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा आया है, इंटू साइन थीटा माइनस हाफ जी, या डायरेक्ट इसको लिखते हैं जी वाई टू, और टी की वैल्यू यहां पर रखेंगे एक्स वाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आएगा वाई इज इक्वल टू, देखेंगे यू और यू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है वाई इज इक्वल, ये जो थीटा है वो तो कांस्टेंट है, इनिशियल थीटा जो है, तो यहां पर लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स, ए क्या है कांस्टेंट है, टैन थीटा को मैंने ए लिख दिया, माइनस यहां सिर्फ एक्स वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है, तो उसको मैं लिख सकता हूं बी एक्स स्क्वायर। अगर आप याद करें तो मैथमेटिकल टूल्स में बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स का, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है, ये जो पाथ है, ये एक्चुअली में पैराबोला है जो कि नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये हो गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक, उसके बाद इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें से एक्स टैन थीटा जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, एक्स टैन थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यहां पर यू स्क्वायर है तो ये आएगा यू स्क्वायर, एक तो पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे टैन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टैन थीटा जो है वो इस टर्म में था नहीं है। ठीक, और यहां पर नीचे ला देंगे जी। ठीक, तो इसको अब सिंपलीफाई करके देख सकते हैं, ये आएगा एक्स टैन थीटा वन माइनस
एक्स स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर दो कॉस थीटा है, इसमें एक साइन बाई कॉस आएगा, तो एक कॉस और एक कॉस यहां से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा आएगा। तो एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, साइन टू थीटा के इक्वल होता है, ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं आर कह रहा हूं, वेयर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इसको कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हुआ कि टोटल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितनी देर तक ये हवा में था उतनी देर तक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अभी हम लोग आगे डिराइव करेंगे फिर से, है ना। अभी तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसको हमने आर मान लिया है और ये रेंज के इक्वल आएगा, ये आगे हम जाकर के प्रूफ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला फाइनली आया एक्स टैन थीटा माइनस, यहां पर हमने चूंकि एक एक्स कॉमन ले लिया है तो यहां पर एक ही एक्स बचेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। तो ये भी एक जो है प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इसको ड्राइव किया, अदरवाइज ये इक्वेशन भी जो है ये बता रहा है कि ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका यूज आता है, कहीं कहीं पर इसका यूज आता है जिसमें डायरेक्ट रेंज पूछा जाता है, तो रेंज पूछा गया हो तो इस फॉर्म में इक्वेशन को लाएंगे और इसमें से डायरेक्ट जो है रेंज की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, पहले हमने देखा कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसा होता है, अब देखेंगे कि किसी इंस्टेंट पर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी और उसका पोजीशन क्या होगा। जैसा हमने ट्रेजेक्टरी देख लिया कि ये पैराबोलिक होता है ना, अब मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल जो है वो यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, यानी y जो है ये हाइट हो गया और x ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, y जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो बिल्कुल पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, यानी इसकी जो नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग। x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट वी एक्स इधर होगा और y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट वी वाई इधर होगा। उस इंस्टेंट पर हॉरिजेंटल से किसी एंगल अल्फा पर ये चल रहा होगा, शुरू में थीटा पर इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये फाइंड करना चाहिए वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करा था शुरू में, यह आया था यू कॉस थीटा, कहा था कि ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यू कॉस थीटा आई कैप। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आया था ये आया था यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये टाइम के साथ में वेरी करता है ना, धीरे धीरे घटता जाता है, ऊपर जाकर रुकता है, फिर वापस नीचे आने लगता है, तो वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है। तो ये हो गया नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। तो किसी भी टाइम टी पर अगर टाइम टी दिया हो, यू थीटा तो दिया ही रहता है शुरू में कि कितने एंगल पर फेंका गया था, कितनी स्पीड से फेंका गया था, टाइम टी दिया गया हो तो उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यहां से, है ना। उसके बाद मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, वी एक्स स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट। उसके बाद ये जो एंगल है टेन अल्फा, ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली में जो नेट वेलोसिटी है वो वी एक्स और वी वाई इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। मैं यहां पर एक वेक्टर ट्रायंगल बना देता हूं, जैसे ये तो हो गया वी नेट, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। देखेंगे वी एक्स और वी वाई को हमने हेड और टेल मिला, यानी वी एक्स वी वाई को ऐड करने से ये नेट वेलोसिटी जो है मिलेगा, ये एंगल अल्फा है। तो टेन अल्फा की जो वैल्यू निकालनी होगी तो उस ट्रायंगल से देख सकते हैं, ये आएगा वी वाई बाई वी एक्स, यानी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई वी एक्स क्या है, वी वाई ये है और वी एक्स ये है। तो किसी भी टाइम टी दिया होगा तो हमें वी वाई वी एक्स पता होंगे, तो अल्फा की जो वैल्यू है ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये नेट वेलोसिटी हो गया, और नेट वेलोसिटी का ये डायरेक्शन हो गया एक तरह से हॉरिजॉन्टल से। अगर पोजीशन पूछा जाए, पोजीशन का मतलब है कि यहां से ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आती है, हमने ड्राइव किया था थोड़ा देर पहले, यह आया था यू टी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आया था, यह आया था यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, इतना जे कैप। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया किसी टाइम टी पर। तो अगर हमें टाइम पता हो, क्योंकि यू थीटा पहले पता होता है, टाइम पता हो तो उसका पोजीशन पता किया जा सकता है, उसका स्पीड पता किया जा सकता है यहां से मैग्नीट्यूड निकाल करके, और कितने एंगल पर जा रहा है ये भी पता किया जा सकता है ना। यानी हमें समय बता दिया गया हो तो बता सकते हैं कि इस समय पर प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ होगा, किस स्पीड से चल रहा होगा, है ना। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एक्चुअली में वो टाइम इंटरवल होता है जितने देर तक ये प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहता है, हवा में जितने देर तक रहता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज टाइम इंटरवल इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन स्पेस, मतलब जितनी देर तक ये हवा में रहता है उस टाइम इंटरवल को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट को एक सिंबल देते हैं कैपिटल टी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो मैं फिर से ये वाला फिगर बना रहा हूं, उसकी ट्रेजेक्टरी दिखा रहा हूं। तो सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जो प्रोजेक्टाइल है ये कुछ इस तरह से ऐसे जाता है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर ये यहां था, और जैसा कि कहा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब ये वापस फिर से ग्राउंड पर गिरेगा, क्योंकि यहां से यहां जाने का जो टाइम है, जितने देर तक ये हवा में रहेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो जीरो टाइम पर चला था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है तो वापस यहां ग्राउंड पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जीरो टाइम हो या कैपिटल टी टाइम हो, दोनों ही टाइम पर जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड पर आ गया है। तो ग्राउंड पर जो है वाई जीरो होता है, यहां भी वाई जीरो होगा और यहां भी वाई जीरो होगा। तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइम पर प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने फाइंड किया था, आया था यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह आया था, उसको हमने यहां भी लिखा हुआ है ना। तो पता करेंगे कि ये y कब कब जीरो होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से टाइम के दो रूट आएंगे। t मैंने कॉमन ले लिया तो ये आएगा u साइन थीटा माइनस
g by 2 into t is equal to 0. तो यहां से दो रूट आएंगे, एक तो इसको जीरो करने से हो जाएगा यानी t1 जीरो हो गया, और दूसरा आएगा जब इसको जीरो करेंगे तो इसको जीरो करने से t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसमें से, जैसे कि अगर 10 बजे यहां से चला 11 बजे यहां पहुंच गया, तो 11 बजे और 10 बजे का जो टाइम इंटरवल है बीच में एक घंटे का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो ये जो है t1 टाइम यहां का, t2 टाइम यहां का, दोनों का जो डिफरेंस है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, t1 तो जीरो है तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, 2u साइन थीटा जो है वो एक्चुअली में y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, और g क्या है, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड है, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये आगे हम लोग यूज करेंगे। मतलब कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यहां से देख सकते हैं कि y डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंडेंट है, x वाला कंपोनेंट कोई आया ही नहीं, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं यहां से मॉड हटा देता हूं थोड़ा देखने में, क्योंकि अजीब सा लग रहा है। जस्ट क्या करेंगे, ध्यान रखना है कि ए वाई जो है वो जी के बराबर होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस ग्राउंड पर फेंका गया उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होता है, तो उस वाई डायरेक्शन का ये एक्सेलरेशन है, उस वाई डायरेक्शन की ये इनिशियल वेलोसिटी है, ऐसे इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग फाइंड करने वाले हैं उसको कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ कि ग्राउंड से ज्यादा कितनी हाइट पर ये जाएगा, इसको सिंबल दिया जाता है कैपिटल एच, है ना। तो मतलब ये हुआ कि ग्राउंड से जो वाई है, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। यहां पर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ये हमें निकालना है। मैं एक फिगर बना देता हूं, फिगर से थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है। अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है तो वाई डायरेक्शन में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा प्रोजेक्टाइल, तो वो ये है। तो ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जो है वो ये हो जाएगा। ये एज की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक। तो अपने पास इक्वेशन दिया गया है, y का इक्वेशन हमने डिराइव किया था अभी, ut टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि यहां पर जो y है ये टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट है। तो जैसा कि हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में, तो जब भी वहां पर मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता था तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर उसको जीरो करते थे। तो वैसा ही काम यहां भी करेंगे हम लोग, वही मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फॉर मैक्सिमम वाई डी वाई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो डी वाई बाई डी टी यहां से कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आएगा यू साइन थीटा तो कॉन्स्टेंट है ना, टी का वन हो जाएगा, माइनस जी बाई टू कॉन्स्टेंट है, और टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा, इसको हमें कर देना है जीरो। ये टू और ये टू कैंसिल, तो यहां से टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहां से टी का एक ही वैल्यू आ रहा है, आपको याद होगा जब मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर एक्स की एक ही वैल्यू आए तो हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम वाला आया होगा, मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम वाला आया होगा,
है ना, तो इसमें चूंकि मैक्सिमम ही निकालना है तो ये मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग ही आया होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइम पर पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं टी बाई टू, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आया था जस्ट उसका आधा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, टू यू साइन थीटा बाई जी, और ये जो टाइम आया है वो आया है यू साइन थीटा बाई जी, यानी जर्नी का ये टोटल जर्नी का आधा टाइम चलेगा तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा, है ना। तो कह सकते हैं सो वाई विल बी मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू, और टी बाई टू की वैल्यू इतनी है। तो अब अगर हमें वाई मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करना चाहिए, y मैक्सिमम निकालना हो तो y का जो इक्वेशन है उसमें इस t की वैल्यू वापस डाल देंगे। तो मैं यहां पर डाल के देखता हूं u t के जगह पर, ये t बाई टू कह सकते हैं या ये वाली वैल्यू जो है, मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू डाल रहा हूं वहां पर, तो ये आएगा u साइन थीटा बाई जी इंटू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी, फिर से टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू फिर से ये डालेंगे तो u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y मैक्सिमम, इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये आ गया। इसको आप देख सकते हैं ये क्या आया, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और u साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यू आई कहते हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं यू आई का स्क्वायर और 2 इंटू जी, जी क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जैसे यहां जी को मैंने ए वाई से रिप्लेस किया था, यहां भी जो है ए वाई से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर जो अपने पास फॉर्मूला आया है इसमें आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट है वो भी एक्चुअली में वाई डायरेक्शन के मोशन पर ही डिपेंडेंट है, यहां ऊपर भी वाई है वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और ये है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम हाइट हो या टाइम ऑफ फ्लाइट हो दोनों ही वर्टिकल मोशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है। इसमें एक खास बात हमें और ध्यान रखना है कि ये हमने क्या किया कि y मैक्सिमम करने के लिए dy बाई dt जीरो किया, आप ध्यान देंगे कि dy बाई dt क्या होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी बताएगा, dy इज इक्वल टू जीरो, यानी जब y मैक्सिमम होगा वहां पर ऊपर वाली वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, होना भी चाहिए। अगर किसी स्टोन को फेंका जाता है तो जहां पर मैक्सिमम हाइट होगा वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होना जरूरी है, अगर जीरो नहीं होगा तो और ऊपर जाएगा, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है यहां पर ऊपर वाली जो वेलोसिटी है ये जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो ये वाली वेलोसिटी यू कॉस थीटा जो है वो हमेशा बना रहेगा। ये भी याद रखना है, कई क्वेश्चन करने में यूज में आता है कि हाइएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है बस, और उसकी वैल्यू u cos थीटा होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में होती ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। रेंज के बारे में मैंने पहले ही मेंशन किया था जब हम लोग ट्रेजिट्री इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे, तो उसमें r एक वैल्यू आया था, है ना, उसको हमने रेंज माना था, कहा था कि आगे जाकर डिराइव करेंगे, तो ये वो वाला रेंज है। तो रेंज जो है बेसिकली उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जितने देर में ये हवा में रहता है उतने देर में जो है वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड
हॉरिजेंटल रेंज है ना। तो इसको एक फिगर से समझते हैं। जैसे ऐसे मान लिया जाए कि जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फेंका यहां से, है ना। तो ये ऐसे जाकर कहीं गिरा, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर यहां था और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यानी टी टाइम बाद यहां आकर गिरा। तो यहां से यहां तक का जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज हो गया ये वाला हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो आया था एक्स इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसमें टी के जगह पर ये कैपिटल टी रख दूं तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए, है ना, क्योंकि इस टाइम पर पार्टिकल यहां पर था तो ये डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। तो कह सकते हैं एट टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स शुड बी इक्वल टू रेंज, दैट मीन्स रेंज शुड बी इक्वल टू यू इंटू टी इंटू कॉस थीटा। और जो कैपिटल टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहां पर पहले फाइंड किया हुआ है, यह आया है टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला जो फॉर्मूला है वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा u इंटू टू यू साइन थीटा बाई जी इंटू कॉस थीटा, है ना। तो रेंज हो जाएगा u स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो रेंज हो गया u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू यू साइन थीटा। यहां से देखें 2, एक u लिया एक साइन थीटा लिया, फिर एक u यहां से और एक कॉस थीटा लिया, है ना, डिवाइडेड बाई जी। तो ये क्या हो गया, ये देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो u cos थीटा है एक्चुअली में हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, यानी इसको मैं ux लिख सकता हूं, और ये जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ui लिख सकता हूं। तो 2 ux ui डिवाइडेड बाई ay। तो रेंज का एक फॉर्मूला ये भी आ गया। तो ये देखेंगे जो रेंज है वो सिर्फ वाई मोशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक्स वाले मोशन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक। जैसा कि देखा था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करता है, जबकि जो रेंज है वो दोनों तरह के मोशन पर डिपेंड करता है। अब अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना हो, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास कोई मिसाइल है ना, तो मिसाइल की एक जो है मिसाइल की एक लॉन्चिंग वेलोसिटी होती है, मतलब कि अब उससे ज्यादा वेलोसिटी से हम लॉन्च नहीं कर सकते, मैक्सिमम वेलोसिटी है वो। तो अगर वो वेलोसिटी दे दिया जाए तो हमें बताना होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना दूर फेंका जा सकता है, उसी को कहते हैं रेंज ऑफ मिसाइल। हालांकि मिसाइल वाले केस में जो है वो ये फॉर्मूले नहीं लगते, क्योंकि मिसाइल बहुत ऊपर से जाता है, बहुत ऊपर से जाता है तो जी वेरी करने लगता है, तो ये फॉर्मूले काम में नहीं आते, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रेंज है, जो रेंज है वो हमें पता करना होता है कि अगर अगर मिसाइल को किसी वेलोसिटी से फेंका जाए, फिक्स वेलोसिटी से फेंका जाए, तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना दूर जाएगा, वही उस रेंज का मिसाइल का रेंज होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि मैक्सिमम रेंज निकालना हो, इस आर को मैक्सिमम करना हो, तो आप देख सकते हैं कि यू तो हमने फिक्स कर दिया, जी भी फिक्स्ड ही होता है, और ये जो साइन थीटा है इसमें से थीटा वेरी करा सकते हैं हम, थीटा की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग हो सकता है हॉरिजेंटली फेंके, हॉरिजेंटली फेंकेंगे तो जल्दी गिर जाएगा, है ना, सीधा ऊपर फेंकेंगे वापस अपने पास ही गिर जाएगा,
अब जैसे जैसे एंगल को जीरो से बढ़ाते जाएंगे उसका रेंज बढ़ता जाएगा, है ना। फिर एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, उसके बाद एंगल बढ़ाने पर फिर वापस कम होने लगेगा उसका रेंज। जैसे वर्टिकल करने पर वापस जीरो आ जाता है, हॉरिजॉन्टल करने पर भी जीरो ही होता है रेंज, है ना। तो होगा क्या कि मैं इसकी वैल्यू जो है रेंज मैक्सिमम करने के लिए वो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूं, तो कितना रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रखा जा सकता है, यानी कि जो 2 थीटा है ये होना चाहिए पाई बाई 2, 90 डिग्री, मतलब थीटा की जो वैल्यू है ये होना चाहिए पाई बाई 4। तो उस हिसाब से जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना आएगा, क्योंकि इसको तो हमने 1 कर दिया तो रह गया यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो ये हो सकता है। इसी तरह से कोई ये भी पूछ सकता है कि जैसे ये मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड किया, तो मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब ये तो मैक्सिमम हाइट है, हमें थीटा फिक्स्ड कर दिया, तब ये थीटा दे दिया। ये पूछा जा सकता है कि अगर ये वेलोसिटी हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा फेंका जा सकता है, तो खूब ऊंचा फेंकना, तो मैं क्या करूंगा उसको सीधा ऊपर फेंकूंगा, मतलब ये जो थीटा है इस थीटा को 90 डिग्री करने से ये एच की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, है ना। ये जो है, ये जो मैक्सिमम हाइट हमने निकाला है किसी पर्टिकुलर थीटा पर फेंका, मतलब थीटा किसी एंगल पर फेंका तो मैक्सिमम हाइट इतना आया। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊपर फेंको, तो मैं 90 डिग्री पर फेंकूंगा, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। तो उस केस में अगर हमें एच मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी हो, है ना, एच मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए थीटा 90 डिग्री इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। ये होगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम रेंज आया था उसका ये आधा आया है।